Claro, te voto, pero vos que te quieras esconder a nido, que ni bula es con tu fin, no buscar saneta, बट वो काफी खूबसूरत भी है। मैं जो तो ना जो विंग है वो दिखता है कि ना जो बटलर है वो आगे जा रहा है, और फिर ना विंग है तो विंग भी उसको फॉलो करता है और उसको एक स्टडी एक रूम में ले आता है। और फिर जो विंग है वो अंदर जाता है और फिर देखता है वो एक स्टडी रूम होता है, एक लाइब्रेरी टाइप, जहाँ पे जो वांग जी होता है वो बीच में काउच में बैठा होता है। तो फिर जो विंग है वो उसके पास जाता है, और जो बटलर होता है वो वहाँ से चला जाता है डोर क्लोज करके, और जो विंग है वो जाता है वांग जी के पास, और अपना वांग जी के सामने जाके खड़ा हो जाता है, उसको बो करता है। तो फिर ना वांग जी कहते हैं कि ना वे विशन मेरे पास सुनो, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ अब काम हो गया मेरे पास सुनो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि ना तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए था, बट तुम्हें नहीं पढ़ा। एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि जब तक अब तुम 1 ईयर तक मेरे साथ ही रहोगे, जो मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे और जो मैं चाहूँगा वैसा ही होगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ तो इसमें तुम्हारी फुल मर्जी होगी, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। इसलिए अब तो मेरे आगे कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जैसे मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। तो फिर ये सुनिए ना विंग शौक हो जाते और फिर वांग जी की तरफ देखते हैं, और वांग जी ज़्यादा शौक होने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें पहले बोला पर तुमने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उसके बाद में मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए था, बट तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तो अब जो ऐसे मैं कहूँगा वैसे, अगर और जो तुम्हारी फैमिली है उनको बता दो कि तुम जहाँ भी हो, मतलब तुमने अपनी फैमिली का जो भी कहा है मुझसे कोई रिलेटेड नहीं है, तो बस तुम ये बता दो कि तुम उनके साथ अब नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे अब फुल टाइम। बिना वांग ये सुनते कहते, बट मैं वो इतना बोलते थे, मैं कहते शर्म मैं जितना बोला उतना करो, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे फुल टाइम क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो फिर ना विंग कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं क्या कल से आ सकता हूँ? तो फिर कहते हैं अभी नहीं, अभी जाओ। तो फिर ना विंग थोड़ा हेजिटेट करता है, ना वांग जी के सामने जाता है, और फिर ना कहते हैं ना मेरे जो उस दिन तुमने डांस किया था वैसा ही मेरी लैब पे दोबारा से डांस करो। तो फिर ना विंग ना अजीब फील कर रहा होता है, लेकिन ना फिर उसकी लैब पे बैठ जाता है और वो अभी भी काफ़ी अजीब फील कर रहा होता है, बट ना वो डांस करना शुरू कर देता है। और जो वांग जी होते हैं वो बस उसको घूर के देखे जा रहा है, जिससे ना विंग अनकम्फर्टेबल भी हो रहा होता है, बट जो वांग जी है उसको इससे कोई ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर जैसे ही उसका डांस कम्प्लीट हो जाता है तो फिर ना वांग जी उसकी नेक पर किस करने लग जाता है, उसकी फुल बाइट कर रहा होता है, उसकी नेक पे ही किस बना रहा होता है, और फिर उसकी लिप्स बाइट करने लग जाता है, लिप्स पर सब करा होता है, बाइट करा होता है, किस करा होता है उसका। उसके बाद जो है वो ना फिर विंग कहता है उठो सा, तो फिर ना विंग ना उसके लैब से उठ जाता है, और फिर ना वांग जी जो कहते हैं वांग जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वजह से अराउस्ड फील हो गया, मैं अराउस्ड हो गया, तो मुझे काम करो, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो फिर ना ये सुन के ना विंग जो है वो शॉक हो जाता है, और फिर कहते हैं कि ना तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तुम अब मेरे शुगर बेबी हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी फुल बॉडी भी इस टाइम मेरी है, 1 ईयर तक सिर्फ और सिर्फ मेरी है, ये बोलता है। तो फिर ना विंग अपना सर नीचे झुका लेते हैं, और फिर जो ना वहीं खड़ा होता है, तो फिर ना वांग जी कहते हैं खड़े क्या आओ मेरे पास, मेरे पैंट के ओपन करो और फिर तो अपना काम करो। फिर ना विंग चुप कर जाता है, और फिर ना वांग जी के पास जाता है, और उसकी ना पैंट के जो बेल्ट होती है उसको अनबकल करने लग जाता है, और फिर बेल्ट उतार देता है। उसके बाद फिर उसकी ना पैंट को पैंट का बटन खोलता है और सिप्पी और उसके ऊपर से निकाल देता है और अंडरवेयर भी। और फिर जब वो सामने का व्यू देखते तो फिर वो फुल शॉक हो जाते, क्योंकि वहाँ की फुल अराउज वो था और हार्ड हुआ हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ना फील कहते ये पूरा मुझे अपने माउथ में लेना होगा। तो फिर ना वांग जी कहता है, तो फिर ना जो विंग है अब उसके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं, तो फिर ना वो अपने ना माउथ में ना विंग वांग जी के पार्ट को ले लेता, और अपना और वांग जी कहता है कि ना फास्ट करो फास्ट सक करो। तो फिर ना विंग जो होता है वो उसको अपने माउथ में स्ट्रेस करने लग जाता है, और जो वांग जी होता है वो जोर जोर से ग्रोन कर रहा होता है। और उसके बाद और हाफ आफ्टर हाफ ईयर के बाद
जो विंग है उसके माउथ में जो वंग है वो रिलीज हो जाते हैं, और फिर जो वंग जाते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि इसको गल करो। तो बिना विंग को अभी भी अजीब ही फील हो रहा था, अनकम्फर्टेबल तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, बट वंग जी के कहने पर वो गल पड़ता है। और फिर ना वंग जी कहते हैं कि ना तुमने घर जाना है, इस वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, बट तुम्हें मॉर्निंग में तुम यही होने चाहिए जब मैं उठूँ। और मेरे उठने का टाइम है 5 और मैं 7 तक नीचे आ जाता हूँ, और मुझे तुम 6 तक घर में चाहिए क्योंकि मैं 6 को देखने आऊँगा नीचे कि तुम यहाँ हो कि नहीं। तो तुम्हें यहाँ होना है, और मुझे नहीं पता कि तुम अपनी फैमिली को क्या कहोगे, बट मुझे तुम यहाँ चाहिए 1 ईयर तक। ये बोलता फिर ना वहाँ से अपनी पैंट को ठीक करता है, वहाँ से चला जाता है। तो फिर ना विंग के ना आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता, बट उसे उसको करना पड़ रहा है अपनी फैमिली के लिए, और वो फैमिली में बता भी नहीं सकता कि वो ये सब क्या कर रहा है। तो फिर वो गहरी सांस लेते और फिर ना घर आते जाते वापस। और फिर ना मैडम यू को कहते कि ना एक्चुअली जिस कंपनी के उसको जॉब मिली है वो उसका ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने, तो फिर ना वो सारे तीनों शो को ज़्यादा रखे थे। वाट मीन वो कहते कि ना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी ना जो उन्होंने मुझे पेमेंट काफ़ी हाई करा है, और मैं बस 1 ईयर की बात है उसके बाद फिर हमारे सारे इश्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा, बस एक 1 ईयर की बात है, उसके बाद हर चीज़ हमारी ठीक हो जाएगी। तो फिर ये बोलते और फिर कहते कि ना वो जो जॉब है वो काफ़ी अच्छी उसमें है, तो फिर उसमें मेरे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो फिर ये कहते ना सो मैडम ये देखी थी कि ना तुम क्या सच बोल रहे हो कि क्या कोई और मसला तो नहीं है? तो फिर कहते मम्मी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, वही बोलते। और फिर ना जो जो जंक्शा होता है वो विंग को देख रहा होता है, और जो आना यहाँ नहीं होती है वो भी। तो फिर उसके बाद फिर ना जो विंग होता है वो अपने रूम में चला जाता है, और फिर अपना सामान पैक करने लग जाता है, तो उसके पीछे ना जंक्शा और यहाँ नहीं आ जाते। और फिर कहते हैं विंग क्या तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो जिसके लिए तुम्हें फोर्स किया जा रहा हो? तो फिर ये सुन के ना शो को देता है क्योंकि ये बात ना यहाँ ने बोली होती है। तो फिर ना वो पीछे मुड़ता है और फिर कहते हैं नहीं नहीं शिजी आप ऐसे नहीं सोचेंगे। तो कहते हैं ना बट जिस तरह की तुम काम करें हमें नहीं लगता कि तुम ठीक करें, हमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। जंक्शा बोलते थे तो कहते हैं ना तुम दोनों आप दोनों बहुत फालतू पे ही फिक्र कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरह का कोई मसला नहीं है, और बस 1 ईयर की बात है, मुझे 1 ईयर तक आप लोगों से दूर रहना है, बट मैं आपको कॉल करता रहूँगा, उसके बाद फिर हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं ना तुम इतने शोर कैसे हो? वो इस तरह बोलते कि ना शिजे हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, वो ये बोलते। और फिर ना दोनों के फोरहेड पे किस करते, और फिर कहते हैं ना मुझे